हेलो माय लवली पीपल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एग ऑमलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक प्याज, एक टमाटर, 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग बारीकी से काट लेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो तरीका शेयर कर रही हूँ, इससे अंडा बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। अभी हमारा सारा वेजिटेबल्स कट के रेडी है, तो चलिए अब हम लोग एग ऑमलेट बनाने का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा बोल लेंगे जिसमें हम प्याज डाल लेंगे, फिर टमाटर डाल लेंगे, उसके बाद हरी मिर्च और अब धनिया पत्ता डाल लेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ले लेंगे और इसको अब हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारे वेजिटेबल मिक्स करने के बाद अब हम लोग इसमें 3 अंडा डाल लेंगे। इस सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स करना है। हमारा ऑमलेट सॉफ्ट और फ्लफी बने, इसके लिए हमें इसको अच्छे से स्पून से फेंटना है। इसमें हम लोग थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे टेस्ट के लिए। डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करके हम लोग साइड में रख लेंगे। उसके बाद एक पैन लेंगे, नॉन स्टिक पैन में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे और उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अभी जो हम लोगों ने जो इंग्रेडिएंट मिक्स करके रखा है उसको डाल लेंगे पैन में और हल्की धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए रहने देंगे। वेजिटेबल्स को हम लोग चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे ताकि सारी सब्जियां हल्की आंच पे अच्छे से पके। अभी ये नीचे की तरफ पक चुका है, तो अभी हमें इसे फ्लिप करना है। आराम से हल्के से हम लोग इसको फ्लिप कर लेंगे। हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो ऑलमोस्ट पक चुके हैं। दूसरी तरफ पकने के लिए अब हम लोग ऑमलेट को 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में छोड़ देंगे। हमारा ऑमलेट अब ऑलमोस्ट रेडी है, एज यू कैन सी। चलिए अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। हमारा सॉफ्ट फ्लफी ऑमलेट इज रेडी टू ईट। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आया होगा। प्लीज ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।